हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको सुबह टेलीग्राम पे टॉपिक दे दिया था, और ये हमारा आज दिन का सेकंड टॉपिक है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सेकंड टॉपिक को भी आपने लिख लिया होगा, क्योंकि अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो अपने साथ धोखा कर रहे हैं। और ये चीज़ ना, आपको जब आप पेपर में बैठेंगे CAPFAC 2023 में, जब पेपर टू बैठेंगे जो कि दिन में होता है 2 बजे के अराउंड, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, लिखना कितना ज़रूरी था। और अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इस वीडियो सॉल्यूशन भी जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, टॉपिक दे रहा हूँ, किसी चीज़ का कुछ फायदा नहीं है, कुछ एडवांटेज नहीं है, और सिलेक्शन नहीं होगा ऐसे अगर आप नहीं लिख रहे हैं। ये ऑनेस्ट ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये हो गई सारी बातें। तो जिनको नहीं पता, हवा भी नहीं लग रही मैं क्या बात कर रहा हूँ, वो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे स्टडी फंडा सर्च करिए, वहाँ पे आपको 25K प्लस सब्सक्राइबर्स वाला एक चैनल मिलेगा। उस चैनल को ज्वाइन करिए जहाँ आपको हर रोज टॉपिक्स मिलेंगे। जिनको इन सब की PDF चाहिए वो स्टडी फंडा के एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे 1-10 रुपये का कोर्स है, उसको परचेज करिए। वहाँ से आपको इन सारे टॉपिक्स की एक कंपाइल्ड PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। वहाँ सारी PDFs अरेंज्ड हैं क्लास वाइज, जो भी PDF आपको देखनी हो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे टॉपिक की बात, और जो भी स्टडी फंडा का एप्लीकेशन है, जो टेलीग्राम ग्रुप है, कैसे आपको टॉपिक देखना है। अब जैसे आप लोगों का कंसर्न आता है, कई बार मैं कमेंट्स देखता हूँ, तो उसमें आप हमेशा बात करते हैं कि सर इवेल्यूएशन कैसे कराएं। इवेल्यूएशन आपके लिए आई थिंक एक बहुत मेजर चैलेंज है कि सर हम लिख तो रहे हैं, इवेल्यूएशन कैसे करें। आप देखिए, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि मैं वीडियो के साथ इवेल्यूएशन भी करूँ, लेकिन इसका एक आपको मैं सोल्यूशन बताता हूँ। इसके लिए अगर सही में आपको इवेल्यूशन करवाना है ऑनेस्टली, तो आप चाहें तो CAPFAC 2023 की स्टडी फंडा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। इन दोनों टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर लीजिए कम्बाइंड ऑफर में। उससे क्या होगा, आपके पेपर 1 आपको पता चल जाएगा कि आप स्टैटिक पोर्शन में कितने स्ट्रांग हैं, आप पेपर 1 में कहाँ क्या बोलते हैं खड़े हुए हैं अभी, और पेपर 2 को आपको पता चल जाएगा कि आपकी राइटिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं। ये आपके सिलेक्शन में भी मदद करेगा, CAPFAC 2023 के सिलेक्शन में भी आपको मदद करेगा। जो एवेल्यूशन आपको मिलेगा, आप अपनी गलतियों को इससे रेक्टिफाई भी कर सकते हो, जो जो आपको रिमार्क्स और कमेंट्स मिलेंगे आपके पेपर जब चेक होके आएंगे। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो स्टडी फंडा के व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये वाला नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और ये कॉम्बो ऑफर है 5555 का। और हाँ, पेपर 2 के लिए मैं बता दूँ, ये 15 मई से चालू हो जा रही है। 15 मई के बाद अगर आप इसको करते हैं तो आई थिंक यू विल मिस द बस, क्योंकि आपके टेस्ट मिस हो जाएंगे। इसमें हमारे 10 टेस्ट आपको मिलेंगे पेपर 2 के, जो कि आप प्रिस्क्राइब डेट पे दे सकते हैं, और देने के बाद इसमें आपको इवेल्यूशन और कमेंट मिलेगा। पेपर 1 के आपके 35 टेस्ट हैं, इनको भी आप दे सकते हैं अपने, अब ये अपने टाइम के हिसाब से जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन पेपर 2 में जो आपको 10 टेस्ट मिलेंगे वो आपको उसी डेट पे देने हैं, क्योंकि एक डिसिप्लिन फॉलो होना चाहिए, ताकि आपको रियल लाइफ एग्ज़ाम जैसे होता है टाइम कंस्ट्रेंट के साथ, वो आपको थोड़ा फील हो। तो जो भी चाहें वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या तो स्टडी फंडा के एप्लीकेशन से ज्वाइन कर लीजिए, या इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, तो आपको सारी जानकारी जितनी भी आपको चाहिए वो मिल जाएगी। तो ये हो गई टेस्ट सीरीज की बात। तो चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या था, वुमेन इन वर्कफोर्स। अब इस टॉपिक को ना आप सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से मत देखिए, मैं जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स दे रहा हूँ आप इसको मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हैं, और ये कहीं भी यूज़ हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक PYQ डिस्कस कर लेता हूँ कि पेट्रियार्की पे कुछ था कि पेट्रियार्की इज अ साइन ऑफ मेल डोमिनेंस करके, उसमें भी आप ये डाटा के थ्रू शो कर सकते हो कि हाँ, पेट्रियार्की इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है। तो ये जो थीम वाइज टॉपिक्स है, जैसे वुमेन हो गया, इन पे जो पॉइंट्स हैं इनको आप अच्छे से करिए, ताकि आप इनको मल्टीपल जगह यूज़ कर पाएं। तो ये हो गई सिग्निफिकेंस। तो हम इस टॉपिक में अब देखेंगे क्या क्या, हम इसमें एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्या इंपॉर्टेंस है कि औरतें आए वर्कफोर्स में, इसको देखेंगे, और रीजंस देखेंगे अब तक लो पार्टिसिपेशन क्यों रहा है औरतों का वर्कफोर्स में, हम क्या कर सकते हैं इसमें वो देखेंगे, और हम देखेंगे कि एक फाइनली वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होगी जो हम अब इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो इसको एंड तक देखिए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमारा आ जाएगा। इंट्रोडक्शन मैंने डाटा के साथ चालू किया है। अब ये डाटा के हिसाब से 20 साल से देखा जा रहा है कि जो इंडिया का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो नीचे की तरफ जाता जा रहा है।
फॉर एग्जाम्पल 32% था 2005 में वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, अब 19% बचा है। और वर्ल्ड बैंक भी फिगर, वर्ल्ड बैंक का जो फिगर है उसके हिसाब से भी एक से भी कम हर पांच भारतीय महिलाओं में से फॉर्मली काम कर रही हैं। तो ये एक बहुत ही, मतलब क्या बोलते हैं, कंसर्निंग ट्रेंड जा रहा है कि इतना डिक्रीज क्यों हो रहा है वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन वुमेन इन वर्कफोर्स के ऊपर। अब हम देखेंगे क्या जरूरत है हमें, मतलब एक पॉइंट होता है ना कि वुमेन की वर्कफोर्स में क्या जरूरत है, ऐसा क्या हो जाएगा अगर औरतें वर्कफोर्स में एंटर नहीं करेंगी। तो इसी एडवांटेजेस को, कि वुमेन का एडवांटेज क्या हो सकता है वर्कफोर्स में, हम देखते हैं। आइए सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ। ये मैकेंसी की रिपोर्ट है कि भारत अगर जेंडर इक्वालिटी अचीव कर ले तो उसका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है जितने भी परसेंट चल रहा है वो 1.4% से बढ़ जाएगा। 1.4% बहुत होता है क्योंकि हम ट्रिलियंस में बात कर रहे हैं, और ट्रिलियंस का 1.4% आपको पता है कितना होता है, गूगल करिएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्पावरमेंट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ये रिपोर्ट आई थी कि भाई जो औरतों का डिसीजन मेकिंग पावर है अपने घर में वो बढ़ जाती है अगर वो एम्प्लॉयड हो जाएं, और अगर उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है अपने घर में बढ़ जाए एम्प्लॉय होने से, तो इससे क्या होगा, कई सारे जो सोशल इंडिकेटर्स है जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये सब इम्प्रूव हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्या क्या कर सकता है। तीसरा, डाइवर्सिटी एट वर्क, औरतों का वर्क फोर्स में आना सिर्फ उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है बल्कि जिस कंपनी में जा रही है उसके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि जब औरतें आएंगी किसी कंपनी में या वर्क फोर्स में तो अपनी अलग तरीके की एनर्जी, मतलब अलग तरीके का अपना एक्सपीरियंस, अलग तरीके की जो उनकी लाइफ टाइम लर्निंग है वो लेके आएंगी। तो ये वर्क प्लेस में क्या इंश्योर करेगा, डाइवर्सिटी। इससे क्या इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी, जिससे क्या हो सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो ये हो गया डाइवर्सिटी एक वर्क प्लेस का। हमारा अगला पॉइंट क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। भारत की मीडियन एज 28 से 30 साल है, और अगर हम चाहें तो जो यंगर वुमेन वर्क फोर्स है उसको टैप कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ सब्सटेंशियली बढ़ जाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ सब्सटेंशियली बढ़ने के अलावा जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है हम उसको प्रॉपरली हार्नेस कर पाएंगे अपनी ग्रोथ के लिए। तो ये एक अलग एडवांटेज हो गया। और फिर क्या हो गया भाई, जो वेज गैप है या जो भारत की पैरिटी इक्वालिटी जो दूसरे देशों के कंपैरिजन में वो एस्टैब्लिश हो पाएगी, हमारी जो ग्लोबल कमिटमेंट है वो फुलफिल हो पाएगी। कैसे, जो जैसे जैसे भारत में आपको पता है कि जो औरतें हैं वो आदमियों से कम कमा रही हैं, इन जैसे दूसरे कंट्री से जब आप कंपेयर करेंगे, दूसरी कंट्रीज कौन कौन सी, जैसे कि साउथ अफ्रीका, ब्राजील, चिली, ये सब इकोनॉमिकली भारत से स्ट्रॉन्गर नहीं है लेकिन यहाँ यहाँ की जो औरतें हैं वो भारत की औरतों से ज़्यादा कमा रही हैं। तो जो इंडिया है वो पैरिटी एस्टैब्लिश कर पाएगा अगर वुमेन हमारे इंडियन वर्कफोर्स में आ पाए। तो ये हो गया पॉइंट हमारा पैरिटी विद अदर कंट्रीज वाला। ग्लोबल कमिटमेंट्स कैसे फुलफिल करेगा वुमेन इन वर्कफोर्स के थ्रू भारत, तो वो ऐसे फुलफिल करेगा कि जो हमारे SDG गोल्स हैं जैसे कि SDG 1 नो पॉवर्टी, SDG 5 जेंडर इक्वालिटी, वुमेन जब पार्टिसिपेट करेगी वर्कफोर्स में तो ये सारे जो ग्लोबल कमिटमेंट्स है भारत पूरे कर सकता है। जैसे कि अगर औरत काम करती है तो जो नो पॉवर्टी, अब वो काम कर रही है उसको पैसे मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है जो न्यूट्रिशनल इनटेक है पूरी फैमिली इनकम बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाएगा। SDG 5 जेंडर इक्वालिटी हो ही रही है जैसी औरतें वहां पे वर्कफोर्स में आ रही हैं। तो ये एक मेजर पॉइंट हो गया। अब तक के रीजंस क्या है कि इतना सब सिग्निफिकेंस, इतने एडवांटेज होने के बाद भी क्यों औरतें अभी तक वर्कफोर्स में नहीं आ पाई हैं, तो उसका सबसे पहला, सबसे बड़ा रीजन है सोशल। देखिए क्वालिफाइड वुमेन्स भी लेबर मार्केट में नहीं आ पा रही है, क्यों, उनके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जैसे बच्चा पालना, खाना बनाना, अपनी हस्बैंड की केयर करना, ये सब माना जाता है कि औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्री कंसीव नोशन है ये, जिसकी वजह से औरत क्या कर पा रही है या वुमेन क्या क्या हो रहा है, वो लेबर फोर्स में नहीं आ पा रही है, उनका जो पार्टिसिपेशन है वो गिरता जा रहा है। और जो दूसरे सोशल नॉर्म्स, आपको पता है 19th सेंचुरी में औरतों को पढ़ने क्यों नहीं दिया जाता था, 19th और 20th सेंचुरी में, इसीलिए क्योंकि ऐसा लोगों को लगता था, एक सोशल नॉर्म था कि अगर कोई भी औरत पढ़ लेगी तो वो अपने हस्बैंड्स को मतलब कुत्ता बना देगी, मतलब ये वर्ड्स यूज हुए थे, मतलब इतने डेरोगेटरी वर्ड्स, औरतों की पढ़ाई इतना बुरा माना जाता था समाज में उस टाइम। तो ये सोशल नॉर्म भी एक कारण है कि उनको लेबर मार्केट में नहीं आने दिया जा रहा है। और ये आप देख भी सकते हो, जो रूरल से अर्बन माइग्रेशन ट्रेंड है वो लार्जली मेल डोमिनेंस है, उसमें ज़्यादातर रूरल से अर्बन माइग्रेशन मेल्स करते हैं काम के लिए, औरतें घर ही पर रहती हैं जो कि खेत वेत संभालती हैं। तो एक मेजर ट्रेंड है। इकोनॉमिक रीज़न क्या हो सकता है, अब देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे घर की इनकम बढ़ रही है, ये सब तो आप सब, मैं इस पॉइंट को जो बता रहा हूँ
कोई भी बंदा इसको वीडियो को देख रहा है वो इससे कनेक्ट कर सकता है। जैसे जैसे आपके घर की इनकम राइज होगी, क्या होगा जो आप, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, एक पर्टिकुलर एक कॉमन आइडियोलॉजी है भारत में कि ये होता ही होता है। जैसे मान लीजिए किसी घर की अगर इनकम राइज हो रही है तो वहां का जो मुखिया होगा या हेड होगा या उसका हस्बैंड होगा वो क्या कहेगा, तुम्हें कमाने की क्या जरूरत है, मैं कमा रहा हूँ ना, तुम बस घर पे बैठो। अब ये देखिए यही पॉइंट यहाँ लिखा गया है कि जैसे जैसे हाउस होल्ड इनकम भारत में बढ़ रही है, जो वुमेन पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में वो भी ढकता जा रहा है। इसी कारण की वजह से इंडिया 143rd प्लेस पे आया है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी इंडिकेटर में ग्लोबल जेंडर गैप के। तो ये हो गया इकोनॉमिक रीजन। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आप खुद सोचिए, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 का टाइम आ चुका है, IR 4.0। तो कोई भी एम्प्लॉयर होगा जो कि एम्प्लॉय करेगा लोगों को, वो एक ऐसे एम्प्लॉयर को चुनेगा जो कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो, उसे सारी नॉलेज हो, या एक रिलेटिव, ये सरकार कर सकती है कि हाँ थोड़ा सा देख के एक रिलेटिवली लेसर नॉलेजेबल पर्सन को ले लें किसी भी बेसिस पे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्या है, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है, तो वो टेक्नोलॉजिकल एडवांस लोगों को लेगा जो नए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ पेस रख पाए। लेकिन अब औरतों के साथ दिक्कत क्या है कि एक कई सारी रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि जो इंडिया में जेंडर डिजिटल डिवाइड भी एग्जिस्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक स्टडी के हिसाब से सिर्फ 35% भारतीय औरतें हैं जो कि एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं। इस वजह से क्या होगा, जो इनकी इम्प्लॉयबिलिटी है वो डिक्रीज हो गई है। प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज, अब देखिए किसी भी वर्क प्लेस पे अगर कोई भी औरत काम करने जाती है तो कई सारे सरकारी कानून होते हैं जो कि उनके का जो औरतें काम कर रही है उसको रेगुलेट करते हैं, और वो कहीं ना कहीं औरतों के प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, बट वो उनके डिसएडवांटेज पे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कि एम्प्लॉयर क्या सोचेगा, यार मैं अगर इस लेडी को हायर करता हूँ, इस औरत को हायर करता हूँ, तो ये इसको मैं सब तरीके के काम नहीं करवा सकता, मशीन के पास नहीं भेज सकता, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसी की जगह मैं एक अगर मेल को हायर कर लूँ तो मैं उससे सब काम करवा सकता हूँ, मशीन के पास भी, कितने भी, मतलब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के हिसाब से यूज़ कर सकता हूँ। तो इसलिए एक एम्प्लॉयर की नेचुरल चॉइस मेल हो जाती है। तो एक मेजर कारण है कि जिसकी वजह से एक औरत या एक लेडी वर्कफोर्स में एंटर नहीं कर पा रही है या उसको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो मैंने वही पॉइंट लिखा है कि जैसे कि एग्जांपल दिया यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट का, वो प्रोहिबिट कर देता है फीमेल एम्प्लॉयज को क्लीनिंग, ल्यूब्रिकेटिंग और एडजस्टिंग मशीन से, या फिर वर्किंग नियर कॉटन ओपनर्स या वर्किंग इन ऑपरेशनल डीम्ड हजार्डियस एरियाज। अब सोचिए ये उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को डिक्रीज नहीं कर रहा ये एक्ट, तो ये एक पॉइंट हो गया। अब ये सबसे मेजर पॉइंट है कि भाई वर्क प्लेस हरेसमेंट, आप माने या ना माने, आज भी भारत में छोटी हो गई, फिर छोटी जगह हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, इन सब जगह सिग्निफिकेंटली वुमेन सेक्सुअल हरेसमेंट होता है औरतों के साथ। आप चले जाइए, आपको अपनी आंखों से होता हुआ दिख जाएगा। कई सारी फॉर्म्स में हो सकता है, सेक्सुअल हरेसमेंट हो सकता है, मेंटल हरेसमेंट हो सकता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, जो कि वर्क प्लेस हरेसमेंट के, मतलब आप सोचिए ना, एक औरत इतने सोशल नॉर्म्स के बाद वहां काम करने जा रही है, वहां वो क्या फेस कर रही है, मेंटल हरेसमेंट, उसको लोग ताने दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, सेक्सुअल हरेसमेंट सबसे गंदा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये सब क्या कर रहा है, ये सब उसको रोक रहा है कि वो वर्कफोर्स में ना जाए, अपने घर के कंफर्ट में बैठे। तो एक मेजर कारण है कि अब तक औरतें वर्कफोर्स में क्यों नहीं आ पाई। अब वे फॉरवर्ड क्या है, जैसे कि कहते हैं ना लोहा लोहे को काटता है, तो अब क्या टेक्नोलॉजिकली लेस एडवांस होने की वजह से औरतों की एम्प्लॉयबिलिटी कम हुई, तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी की यूज करना चाहिए, इंक्यूबेशन स्पेस देनी चाहिए, फंडिंग अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, अपस्किलिंग सेंटर्स खोल देने चाहिए, जिससे औरतें क्या करें, उनको मोटिवेशन मिले कि वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पार्ट लें और उनकी इम्प्लॉयबिलिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाए, मतलब मोर देन मेल्स हो जाए। इससे क्या होगा, अगर उनकी इम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज होगी, ऑब्वियस सी बात है उनका जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में वो बढ़ जाएगा, सिंपल। अब सेकेंड पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान से सुनना, अगर सरकार इन्वेस्ट करे हेल्थ और केयर फैसिलिटीज में, तो ये दो धारी तलवार का काम कर सकती है। कैसे, देखो ILO को एक रिपोर्ट आई थी जिसके हिसाब से अगर गवर्नमेंट केयर सर्विसेज में इन्वेस्ट करती है तो 69 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी। अब ये जो 69 मिलियन जॉब क्रिएट होंगी, आप खुद सोचो इन जॉब्स को डोमिनेट कौन करेगा, ऑब्वियसली बात है हेल्थ और केयर सेक्टर में औरतों का डोमिनेंस हमेशा रहा है, तो ये 69 मिलियन जॉब्स पर्टिकुलरली फॉर वुमेन होंगी, मतलब मेजोरिटी ऑफ द जॉब्स औरतें लेंगी। दूसरी चीज, दूसरी धार क्या करेगी, हेल्थ और केयर फैसिलिटीज में अगर इतना इन्वेस्टमेंट जाएगा तो उससे क्या होगा, जो औरतें केयर सर्विस ना मिलने की वजह से लेबर फोर्स वो छोड़ रही हैं, वो छोड़ेंगी नहीं। क्यों? उनके पास एक केयर सर्विस या हेल्थ सर्विस रहेगी जब भी उनको जरूरत जरूरत पड़ेगी, वो भी गवर्नमेंट फंडेड।
तो वो फोकस कर सकती है अपने लेबर फोर्स पे, अपने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे, अपने फॉर्मल काम पे। तो ये दो धारी तलवार इसको मैं कहना चाहूंगा, हेल्थ और केयर फैसिलिटीज वाला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, एक पब्लिक क्रैश फैसिलिटी आप खोल दो। जैसे मान लो कोई इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है या कहीं पे कई सारी फैक्ट्रीज हैं, तो वहाँ एक आप पब्लिक क्रैश फैसिलिटीज खोल दो। उससे क्या होगा, जो अभी अभी माँ बनी है औरतें, वो काम छोड़ देती हैं अपने बच्चे के लिए। तो उन औरतों को जो बच्चे की वजह से काम छोड़ रही है, उनको भी हम लेबर फोर्स में ला सकते हैं। कैसे, तो जो क्रैश फैसिलिटीज है वो क्या करेगी, औरत काम पे आ सकती है इन द मीन टाइम, जब वो काम कर रही है तो वो पब्लिक क्रैश में जा सकती है, अपने बच्चे को वहाँ थोड़ी देर के लिए छोड़ देगी, वहाँ पे जो क्रैश फैसिलिटी है उनके बच्चे का ध्यान रखेगी, और उसी टाइम पे जो वो औरत है वो अपने काम पे ध्यान दे सकती है। एक ये भी स्टेप है कि हम वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में उसको बढ़ा सकते हैं सिग्निफिकेंटली। एक पब्लिक क्रैश फैसिलिटी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा वो औरतों को लेबर फोर्स लाने में, लेबर फोर्स में लाने में। तो ये एक पॉइंट हो गया कि भाई हाँ, क्रैश फैसिलिटी के भी थ्रू आप वुमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स बढ़ा सकते हो। तो ये हमने देख लिया वे फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे फाइनल कंक्लूजन। देखो, कोई वन साइज फिट ऑल स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती, क्योंकि जो दिक्कतें हैं वो कई सारी हैं औरतों के पार्टिसिपेशन में। तो इसलिए क्या है, अगर जो औरतों का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है उसको हमें 100% रियलाइज करने की ज़रूरत है, और जो भारत का मैंने जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली बात कही थी, इसको भी रियलाइज करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम एक्टिवली प्रमोट करें वुमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स। उसके अलावा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसको भी अचीव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम औरतों को प्रमोट करें कि वो आकर लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करें। इस कंटेक्स्ट में कोट याद आता है कि आई डोंट नो, मतलब ऐसा हर कोई कहता है या कई सारे इकोनॉमिस्ट ने भी कहा है कि वो कंट्री कभी नहीं तरक्की कर सकती जिसकी 50% जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो घर में बैठी है। तो आप खुद सोचिए इस कंटेक्स्ट में जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, नोट्स के लिए नहीं है, इसको आप अपने अंदर फील करिए। अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप प्रमोट करिए, नहीं भाई मेरी माँ या मेरी बहन है या कोई भी आप जिसको आप जानते हो, आपके रिलेटिव में हो, नहीं उसको सिर्फ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। शी शुड गो आउट एंड अर्न सेल्फ रिस्पेक्ट, ताकि वो इंडिपेंडेंस ला पाए अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी पाए। ये चेंज अपने अंदर लाइए, जब आप ये अपने अंदर चेंज लाएंगे तो सोसाइटी चेंज होगी, सोसाइटी भी तो हम ही लोगों से बनी है। यही चीज है। तो मैं अपना कंक्लूजन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आप सिंगल स्ट्रैटेजी नहीं ला सकते, क्योंकि जो इश्यूज हैं औरतों के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में वो कई सारे हैं। अगर सही में हम वुमेन का जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है भारत में वो फुल पोटेंशियल पे रियलाइज कर लें, तो जो हमारा इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको ध्यान में रखते हुए हम आसानी से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट का मेजर टारगेट है। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू ऑल द बेस्ट फॉर CAPF AC 2023। इसी के साथ अलविदा। कल का टॉपिक आपको मिल जाएगा सुबह, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए स्टडी फंडा, आपको वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। ओके बाय।